प्रश्न है, आपका प्रश्न है माई IAS है ना, IAS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एक साल और डेढ़ साल का प्रिपरेशन है, बहुत लंबी प्रिपरेशन है और बहुत हार्ड वर्क भी है और बहुत कंपटीशन भी है, इसमें मुझे कर्म करना चाहिए और कर्म करने के वक्त मेरा मन फोकस रहना चाहिए, ये प्रश्न है ना। मन को थोड़े अच्छी तरह से समझना है, मन में लेफ्ट ब्रेन है राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है, मन में नहीं, मन लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन यूज करता है, लेफ्ट ब्रेन का काम है लॉजिक और राइट ब्रेन का काम है इमोशंस, इमेजिनेशन, फीलिंग। ओके, इसमें राइट ब्रेन का स्पीड, आप स्पीड को समझ लिया तो इज वन, लेफ्ट ब्रेन का स्पीड कितना होता है, कोई अंदाजा है आपको, कितना होता है, एक अंदाजा बताइए, राइट ब्रेन का स्पीड रखिए एक, लेफ्ट ब्रेन का स्पीड कितना होता है, लॉजिक लॉजिक को एक वेटेज दे दिए, लेफ्ट ब्रेन को एक वेटेज दे दिए, राइट ब्रेन को कितना, राइट ब्रेन का स्पीड कितना होता है, अनंत होता है, कोई स्पीड नहीं, वो स्पीड नहीं, राइट ब्रेन का स्पीड वन हो गया तो लेफ्ट ब्रेन का होता है 12 मिलियन टाइम्स फास्टर। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक दिस, इट टेक्स ए बिगर पिक्चर सडनली कंप्लीट ओवरऑल, लेफ्ट ब्रेन गोज स्टेप बाय स्टेप, लेफ्ट ब्रेन इज लीनियर, राइट ब्रेन इज होलिस्टिक। ओके, समझ गए, लेफ्ट राइट ब्रेन है इमेजिनेशन, लेफ्ट ब्रेन है लॉजिक। सो आपका प्रश्न का उत्तर क्या है, राइट ब्रेन का फुल यूज करना है। ओके, हम लेफ्ट ब्रेन यूज करने में एक्सपर्ट है, वही हमें स्कूल में सिखाया गया, हमें स्कूल में सिखाया गया अच्छी तरह से पढ़ो, सब्जेक्ट मग करो और पास हो जाओ, और बिना मग करने के भी पास हो जाओ, लेफ्ट ब्रेन का क्रेडिट है, राइट ब्रेन को इम्पॉर्ट, राइट ब्रेन का इंपॉर्टेंस हम भूल गए हैं। ओके, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, एक फीट लंबा वाला, एक फीट चौड़ा वाला, एक ये है क्या बोलते हैं हम, वुड प्लैंक, वुड प्लैंक को क्या बोलते हैं, प्लैंक है ना, एक फीट, सो वो है 100 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा। ओके, अब आपको उस पर वॉक करने के लिए बोला, तो आसानी से वॉक करते हैं, 1 फीट लंबा, कोई गिरने का प्रॉब्लम नहीं, लॉजिकली फाइन। अभी 1 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा 100-story बिल्डिंग के ऊपर रखा है। ओके, 100-story बिल्डिंग के ऊपर रखा है, आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाना है, क्या होगा अभी, क्या लगेगा, 1 फीट बहुत कम लगेगा, वो माइंड राइट ब्रेन काम करना शुरू करेगा, इमेजिनेशन करेगा, क्या इमेजिनेशन करेगा, गिर गया तो एक हड्डी नहीं बचेगी, लॉजिकली वो परफेक्ट है, इमेजिनेशन से इम्पॉसिबल है, समझ गए, लॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेजिनेशन बहुत काम करना शुरू करता है। अब लॉजिक और इमेजिनेशन में झगड़ा हो गया, कौन जीतेगा, इमेजिनेशन जीत जाएगा, लॉजिकली कितना भी बोलो वो जा सकता हूँ, जाए जा सकते हैं आप, नहीं आप नहीं जा पाते, इमेजिनेशन जीत होते। सो आपका प्रश्न का उत्तर है, ये इमेजिनेशन कैसे सक्सेसफुली मैं एम्प्लॉय करो सक्सेस होने के लिए, ये प्रश्न का उत्तर है, समझ गए, ओके ठीक है। जब इमेजिनेशन में कन्विक्शन आता है तो लॉजिक काम करता है, जब इमेजिनेशन में गड़बड़ आता है कितने भी एफर्ट करो लॉजिक काम नहीं करता। ओके ठीक है, सो इसको स्टेप दो तीन स्टेप में इमेजिनेशन कैसे काम करना मैं बोलता हूँ, डिटेल नहीं, वो तो एक्सरसाइज ही है बड़ा। स्टेप नंबर 1 इमेजिनेशन में, आपको लॉजिकली और इमेजिनेशन वाइज क्लियर होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ,
लॉजिकली और इमेजिनेशन वाइज बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, दोनों में झगड़ा नहीं है ना। सो उसको लॉजिकली लॉजिकल पॉइंट डाउट लगाता है, कैसे करोगे भाई 10 लाख रन जनरेट लोग अटेंड कर रहे हैं, आप कैसे करोगे? लॉजिकल माइंड, इमेजिनेशन माइंड बढ़ता है, इम्पोर्ट है कैसा पेपर आ जाएगा पता नहीं। अभी लॉजिक और इमेजिनेशन दोनों सिंक करना सीखना है। कैसे करेंगे? पहले जो जो पॉसिबिलिटी है लॉजिकल इमेजिन लिख दीजिए, इमेजिनेशन क्या बोलता है, लॉजिक क्या बोलता है, ठीक तरह से लिख दीजिए। एक दो पेपर ले लीजिए, लॉजिक का इमेजिनेशन का। लिख दीजिए लॉजिक ये बोलता है, इमेजिनेशन ये बोलता है ना। बाद में उसको अपने तरफ से अच्छी तरह से जवाब प्रिपेयर कर दीजिए, लॉजिक और इमेजिनेशन को। इमेजिनेशन को विजुलाइजेशन करना है ना। सो विजुलाइजेशन क्या करना है, इमेजिनेशन का और एक चक्कर है, इमेजिनेशन ऑलवेज प्रेजेंट है ना। सो मेरा वो एग्जाम में बैठ गया, मैंने बैठा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, इस तरह अच्छे तरह से लिख रहा हूँ, मेरी इंटरव्यू कॉल आ गए, उसको पूरी तरह से इमेजिनेशन करना है एज इफ इट्स हैपनिंग नाउ नॉट इन द फ्यूचर। अंडरस्टैंड, राइट ब्रेन अंडरस्टैंड्स ओनली नाउ, इट डजंट अंडरस्टैंड फ्यूचर। ओके, लेफ्ट ब्रेन कैन थिंक ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट राइट ब्रेन ओनली प्रेजेंट, इट यूजेस द प्रेजेंट टू थिंक ऑफ द फ्यूचर, क्रिएट द फ्यूचर। सो राइट ब्रेन में आपको आपको इतना क्लियर विजुलाइजेशन करना है, आप एग्जाम ठीक तरह से प्रिपेयर करिए, ठीक तरह से लिख रहे हैं, ठीक तरह से पास हो रहे हैं, आओ सक्सेस हो गए, सक्सेस होने के बाद पेपर में नाम छिपा, आपका बाप खुशी हो गया, माँ खुशी हो गया, पूरा प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस आपको क्लियर विजुलाइज करना है एज इफ इट्स हैपनिंग नॉट विल हैपन। अंडरस्टैंड, दैट्स हाउ यू आर प्रोग्रामिंग योर राइट ब्रेन। सोचिए कि मैं सक्सेस होने वाला हूं, तो राइट ब्रेन फट जाएगा क्योंकि वो पोस्टपोन करेगा। यू हैव टू विजुलाइज एज इफ अभी बैठ के एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूं, एग्जाम अच्छा हो गया, एग्जाम हॉल में गया, एग्जाम पेपर इतना सुंदर लिखा, इतना मेरा माइंड शांत है, लिखा, रिजल्ट आ गया, ये सब एज इफ इट इज हैपनिंग नाउ। यू हैव टू फील इट, रोम रोम में शरीर में फील करना है। लॉजिकल क्वेश्चंस आंसर करना है, लॉजिकल क्वेश्चन आता है, अरे मुझे हिस्ट्री नहीं आती है, तो हिस्ट्री के लिए मैं ये करता हूँ, अरे मुझे ये क्या है कॉलेज करंट अफेयर्स नहीं पता है, सो मैं लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर करना है, प्रिपेयर करना है, और विजुलाइजेशन में सब लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को क्लियरली विजुलाइज करना है। कब विजुलाइज करना है? रोज विजुलाइज करना है। कब 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 करना है? जब आप नींद में जाते हैं, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, बिकॉज जो आप स्लीप में स्लीप के पहले विजुलाइज करते हैं वो डीप स्लीप में जाता है, सबकॉन्शियस में जाता है। सो सबकॉन्शियस में और राइट ब्रेन बहुत फुल एक्टिव है। सो क्लियरली रोज विजुलाइज करना है, और रोज चेंज मत करना, एक ही विजुलाइज करना है क्लियर। करते 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 राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन सिंक होता है ना। और आपको मैं ये क्यों कर रहा हूं उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, मोटिवेशन क्या है आपका, ये इसका मोटिवेशन क्या है, सोसाइटी की हेल्प करना, हाँ लोगों की हेल्प करना, वो भी मोटिवेशन, मैं ऐसे ऐसे हेल्प करता हूँ, क्लियर विजुलाइजेशन करना है, मैं ऐसा अवसर बन गया, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो जो आपका जिंदगी पूरा क्लियर विजुलाइज करना है, जस्ट एग्जाम प्रिपेयर नहीं, एंड टू एंड। सो ये रोज करना है ना, वो रोज करके सो जाइए, करते करते सो जाइए, तब क्या होता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन बैलेंस होते जाता है, जब होते जाता है, जब तक लेफ्ट राइट ब्रेन आपको कोऑपरेट नहीं करता, वो टेंशन स्ट्रेस फोकस पर आता है। सिंपल, इसी के लिए आपको बैठ के लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के लिए क्या क्या करना है वो क्लियरली लिख देना है,
राइट ब्रेन को क्लियर रोड मैप चाहिए, आज से मैं क्या कर रहा हूँ, कल क्या कर रहा हूँ, एग्जाम में क्या कर रहा हूँ, एग्जाम के बाद क्या कर रहा हूँ, एग्जाम के बाद सोसाइटी में कैसे काम कर रहा हूँ, ये सब विजुलाइजेशन क्लियर होना चाहिए। इसके लिए पेपर न्यूज़पेपर में मेरा नाम आ गया, मेरा पिताजी खुश हो गए, मेरा माताजी खुश हो गए, ये सब एनवायरमेंट आप क्लियरली विजुलाइज करना है, लिखना है। और क्लियरली जब सोते हैं तो और करते 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 सो जाना, तब क्या होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और बैलेंस आने लगता है। आपका हमारा प्रॉब्लम इन लाइफ इज लेफ्ट एंड राइट ब्रेन डोंट कोऑपरेट, इंबैलेंस है।